क्या हिंदू खतरे में है अपने देश में हिंदू समाज शक्तिशाली सामर्थ्यशाली है बलवान है क्या हिंदू लड़की के पास ये राइट नहीं है की जिस धर्म में शादी करनी हो कर ले है ना राम जरूरी है रोजगार जरूरी है ये ऐसा प्रश्न है जैसे सांस लेना जरूरी है या खाना खाना क्या कोई राम को ना मानता हो पर वो हिंदू हो सकता है हाँ। अगर अल्लाह अकबर का नारा पवित्र है तो जय श्री राम पर आपत्ति कैसे हो सकती है <laughs> विश्व हिंदू परिषद का एक मिशन था उन्नीस सौ चौरासी ऐसी की राम मंदिर बनना वो बन गया अब आपका क्या मिशन राम राज्य आज का हमारा ये पॉडकास्ट विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ था इनके साथ मिलना थोड़ा सा टाइम का हसल था इसलिए ये पॉडकास्ट ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया बट फिर भी जितना भी हमने इनके साथ समय बिताया है इनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करी है जो भी गलत धारणाएं हैं एक हिंदू कल्ट के लिए या हिंदुत्व के लिए उसको इनसे समझने की कोशिश करी है मैंने अपने बड़े क्वेश्चंस uh, जो कि लगता है कि आपके मन में भी होंगे वो भी इनसे पूछने की कोशिश करी है तो भले ये पॉडकास्ट छोटा है पर आपके माइंड में हिंदू हिंदुत्व राम राज्य जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से हमारे मन में गलत हो जाते हैं या सही भी हो जाते हैं उसके एक्चुअल त्रुत्थ क्या है वो आज हम जानेंगे आलोक जी से तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखिएगा छोटा है और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहेगा आपके लिए आलोक जी आपका एस्ट्रोन पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद नमस्कार आ, आप विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट है अब जिसको नहीं पता ये विश्व हिंदू परिषद क्या है उसको आप कैसे समझाएंगे मैं कहूंगा कि हमारे नाम में है विश्व हिंदू परिषद हम विश्व भर के हिंदुओं का संगठन है और दुनिया में जहाँ जहां कहीं भी हिंदू रहते हैं वो हिंदू के नाते अपना जीवन जिए आपस में संगठित होकर रहें और जहाँ हिंदुओं का कोई विषय आता है मुद्दा आता है उस पर हम उनके साथ खड़े होते उनकी मदद करते अपने परिवारों के अंदर हिंदू संस्कार बने रहें इसके लिए प्रयत्न करते अपने यहाँ जो पिछड़ गए लोग हैं अनुसूचित जाति के जनजाति के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते गाय के लिए काम करते संस्कृत के लिए काम करते हमारे धर्म के लोग मुसलमान ईसाई न बने और जो बन गए वो लौट आए इसका भी अभियान करते और अभी हाल में जो अभियान हमारा पूरा हुआ वो राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाने का अभियान था उन्नीस में हमने संकल्प किया था और 22 जनवरी को हमारे संकल्प की पूर्ति होकर वहां रामलला विराजमान हो गई तो हिंदू से जुड़े हुए सब काम हमारे काम है जैसे ये हिंदू की जो आइडियोलॉजी है सर आरएसएस भी यही आइडियोलॉजी है बजरंग दल की भी यही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बीजेपी की भी यही आइडियोलॉजी है तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है क्या डिफरेंस है विश्व हिंदू परिषद में और बाकी सब में बजरंग दल तो हमारा यूथ विंग फर्क ये है कि हमारा क्षेत्र अलग अलग है भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्षेत्र में काम करती है हम धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में काम करते हैं संघ इससे हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं और वो समाज में संगठन और चरित्र निर्माण का काम करता है आवश्यकता पड़ती है तो हम एक दूसरे से सलाह भी करते हैं इसलिए जैसे एक परिवार में चार लड़के चार काम करते हैं वैसे संघ परिवार में विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद भारतीय मजदूर संघ ये अलग अलग काम करते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है विचार मिल नहीं रहे लड़ाई हो जाती है विचार माने किसी किसी मुद्दे पर हो जैसे 2019 के चुनाव के पहले हम लोग अधीर हो रहे थे कि राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बन रहा था तो हमने सरकार से कहा कि कानून बनाओ इसके लिए हमने देश भर में सभाएं करके दबाव भी बनाया भाजपा को लगता था कोर्ट का फैसला अच्छा होगा इस विषय पर हमारी सहमति नहीं हुई थी तो हमने अलग अलग लाइन ली थी पर आम तौर पर ऐसा नहीं होता है आम तौर पर सब मिल जाती बातें मिल जाती ये जैसे आप हिंदू कह रहे हो या हिंदुत्व जो है आपके लिए इसकी डेफिनेशन क्या है मैं ऐसे मानता हूं कि भारत भूमि में एक पुरानी संस्कृति है वो संस्कृति वेदों से और राम और कृष्ण के समय से चली आई है उस संस्कृति ने हमारी धरती को कुछ मूल्य दिए तो भारत में जिसकी भक्ति है और जो मोटे तौर पर उन मूल्यों में विश्वास करता है वही सब हिंदू है कभी कभी लोगों को समझने में दिक्कत इसलिए आती है कि जो प्रचलित बाकी धर्म है, जैसे इस्लाम उनकी एक पुस्तक है एक मसीहा है ईसाइत एक बाइबल है एक क्राइस्ट है ऐसा हिंदुओं के लिए कोई एक किताब नहीं है कोई एक प्रोफिट नहीं है हम सब जैसा जैसा जिसको ठीक लगता है मूर्ति को पूजना जरूरी लगता है पूजो मूर्ति की पूजा नहीं करनी गुणों की पूजा करनी है करो मूर्ति की नहीं करनी गुणों की नहीं करनी निराकार की करनी है तो करो मूर्ति की नहीं करनी गुणों की नहीं करनी निराकार की नहीं करनी ईश्वर है ही नहीं ऐसा मानो जब तक ईमानदारी से मान रहे हो ऐसे सब लोग हिंदू है तो भारत की भूमि में इसकी मान्यताओं को स्वीकार करते हुए जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे इस भूमि के पुत्र या इस भूमि पर श्रद्धा रखते हैं वह सब हिंदू हैं कई लोग ऐसे सुनने में आता है कि धर्म बदल लेते हैं अपना ईसाइत में चले गए या इस्लाम में चले गए वो क्यों करते हैं ऐसा उसके अनेक कारण हो सकते हैं भय एक कारण है भय भय किससे भय डर सामने वाली ताकत से धोखा दूसरा कारण है लालच ये तीसरा कारण है जैसे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को बताते कि अगर तू ईसाई बन जाएगा तो हम तेरे बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे या तेरे बाबा का फ्री इलाज कराएंगे ये लालच है अगर तू मुसलमान बन जाएगी और धोखा कैसा होता है तो हाथ में मौली पहन कर हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़की से मित्रता करना और ये उसको विवाह के बाद मालूम होना कि ये तो मुसलमान है ये धोखा है ये तीन बड़े हथियार हैं जिसमें लोग धर्म परिवर्तन करते हैं ये अभी भी हो रहा है 2024 में या ये पुरानी बातें हैं? मैं ये मानता हूं कि ये तीनों चीजें भारत के अनेक क्षेत्रों में अभी भी हो रही है ये बात ठीक है कि विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू संगठनों के कारण इस पर रोक लगनी शुरू हुई है कमी आनी शुरू हुई है जो अभी या एक दो चार पांच पीढ़ी पहले धर्म छोड़कर गए थे वो लौट कर आने शुरू हुए पर भारत के अनेक क्षेत्रों में यह अभी भी हो रहा है यह एक डॉक्यूमेंटेड और प्रूवन ट्रूथ है जैसे कोई वापस आना चाहता है धर्म में तो उसे क्या करना पड़ता है इसे हम लोग शायद घर वापसी इसी को कहते हैं वापस आना चाहता है, तो स्वागत होता है उसका हम कुछ हवन कर लेते हैं कुछ एक छोटा कार्यक्रम कर लेते हैं उसमें वो घोषणा करता है कि मैं हिंदू हो गया वो हिंदू हो जाता है ज्यादा कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं। बहुत एलिबरेट प्रोसीजर नहीं है इसका उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो अंतर की श्रद्धा का मामला है अगर अंदर की श्रद्धा और निष्ठा कहती है कि सदियों से जो तुम्हारे पूर्वज थे उनके धर्म के विश्वासों में लौट कर आओ तो वो आ जाता है कई लोग ये हिंदुत्व का प्रोपोगंडा करते हैं और हिंदुत्व से लोगों को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं इस पे आप मानते हो यकीन करते हो इस बात को मैं समझता हूं कि डराने की आवश्यकता नहीं विश्व हिंदू परिषद संविधान में विश्वास करता है वो अपने कामों के लिए शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास करता है हम हिंसा को स्वीकार नहीं करते इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है और है भी अगर कोई गौ तस्करी करता है तो हमारे बजरंग दल के लोग कानून में शिक्षित हैं वो ऐसी गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हैं जिसमें गाय मारने के लिए ले जाते उसको थाने में ले जाते एफआईआर कराते केस को परस्यू करते अगर कोई हिंदू लड़की को भगा के ले जाने की कुचेष्टा करता है तो हम उसकी भी सामना करते हैं ये हम पुलिस और कोर्ट के द्वारा करते हैं, और ये हम इतनी ईमानदारी से और इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि गौ तस्करों को या ऐसे लड़कों को हमसे डर लगना स्वाभाविक है हमको डर लगता है तो लगे पर भारत में तो कानून के हिसाब से काम होगा और जहाँ पर गौ रक्षा का कानून है वहां उसका पालन कराएंगे ऐसा कई बार नहीं होता कि बजरंग दल वाले लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग कानून हाथ में ले लेते हैं मेरे, मेरे ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण हाल के वर्षों का नहीं आया है ओके। एक भी नहीं आया जैसे आपने कहा ना कि कोई हिंदू लड़की को भगाकर शादी कर रहा है क्या हिंदू लड़की के पास ये राइट नहीं है कि उस जिस धर्म में शादी करनी हो कर ले है ना और हमको वो राइट अस्वीकार नहीं है लड़की अगर बालिग है उसको मालूम है कि ये मुसलमान है उससे अच्छा से शादी कर रही है समझाने से नहीं मानती है तो कानून उसको अधिकार देता है हमारी सीमा तो यहां तक है कि क्या वो बालिग है क्या उसको मालूम है कि ये मुसलमान है और क्या उसने समझ बूझ करके विचार करके शादी करने का निर्णय लिया अगर ये तीनों बातें हैं तो वो कर लेती उससे आगे हम भी नहीं जाते एक आइडियोलॉजी है हिंदू आइडियोलॉजी फिर एक कट्टरवाद आ जाता है तो इसकी ये बीच की लाइन कब क्रॉस हो जाती है और ये बीच की लाइन क्या है कट्टरवाद थोड़ा वेग शब्द सवाल यह है कि कट्टरता किस चीज की है अगर कोई जैनी कट्टर हो जाएगा तो वो मुंह पर पट्टी बांध के चलेगा कि हवा में से कोई प्राणी उसके अंदर ना चला जाए वो नंगे पैर चलेगा कि उसके पैर से कोई मारा नहीं जाए ये कट्टरता समाज के और धर्म के खिलाफ नहीं होगी ना पर अगर कोई कट्टरता में यह मानेगा कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है और इस दूसरे हिस्से को अपने धर्म में लाना यह ऊपर से आया हुआ आदेश है और इसके लिए अगर मैं लूटमार करता हूं हत्या करता हूं बलात्कार करता हूं तो मुझे लूटमार का माल और बलात्कार की महिला यह खुदा की नियामत से मिली है तब परेशानी होगी इसलिए फंडामेंटलिस्ट होने से पहले यह पूछना पड़ेगा फंडामेंटल्स क्या हैं अगर फंडामेंटल्स मानवता के हित में है तो वह कट्टरता एक तरह की होगी और वह फंडामेंटल्स या कट्टरता ये सिविल सोसाइटी के राइट्स के खिलाफ है तो देश का नुकसान होगा आलोक जी आ। आप बहुत लोगों से मिलते हैं तो ऐसे जन से लोगों से भी मिलना हो ग्रुप से मिलना होता होगा जो नहीं मानते हिंदुत्व में या हिंदू आइडियोलॉजी में इतना ज्यादा आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि ये कितना जरूरी है उनके लिए ऐसा है कि ये मर्जी और आनंद का सौदा है जो समझेंगे वो आएंगे जो नहीं समझेंगे हम उम्मीद करेंगे कि वो कल आए आज से 1964 में जब हमने काम शुरू किया था तब राजनीति में भी एक माहौल था हिंदू होना अपोरोजेटिक होना था डिफेंसिव होना था थोड़ा शर्मा कर कहते थे हमने कहा कि अपना धर्म अच्छा है ना हमारे लिए तो हम हिंदु है इसका हमको गौरव है फिर उन्नीस में जब राम जन्मभूमि शुरू किया तो हिंदुओं में से कोई हमको सुझाव देता था कि वहां तो टॉयलेट बना दो पर धीरे धीरे मैंने देखा कि भारत के लोग अपने स्व को पहचान रहे अपनी पहचान को जान रहे उसमें गौरव कर रहे उसके बारे में शर्माते नहीं है ये कब से देखना शुरू किया आपने? मैं सोचता हूं कि चौरासी से लगातार ओके। और मैं ये भी मानता हूं कि दुनिया भी ये समझ रही है कि हर जगह की आधुनिकता एक सी नहीं हो सकती जो वेस्ट का और यूरोप का मॉडर्निटी का या आधुनिकता का मॉडल है अरब समाज के लिए वो आधुनिकता नहीं हो सकती उनका अलग मॉडल है अफ्रीका का अलग मॉडल है भारत को अपने मॉडल पर जीना है भारत का जो अपना मॉडल है उसका एक ब्रॉडर नाम है भारतीयता या हिंदुत्व हम उस पर जिए अब लोगों को इसमें संकोच नहीं होता कुछ लोगों को होता है तो लोकतंत्र में उनको वैसा मानने का अधिकार है धीरे धीरे समझेंगे क्या हिंदू खतरे में है नहीं तो नहीं है तो ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है मैं नहीं जानता कौन प्रोपेगेंडा करता है पर अपने देश में हिंदू समाज शक्तिशाली है सामर्थ्यशाली है बलवान है और चुनाव के मैदान में भी इस बात की परीक्षा हुई है 2014 में माइनॉरिटीज ने वोट नहीं दिया तो जो जीते वो हिंदू के वोट से जीते ये थ्योरी कि मुस्लिम वोट बैंक बनाओ हिंदू जातियों में बटा रहेगा और इसलिए हिंदू वोट बैंक के हिंदू वोट बैंक बनेगा नहीं मुस्लिम वोट बैंक के सहारे हम जीत जाएंगे ये थ्योरी अब गलत साबित हो गई है हिंदू खतरे में नहीं है हिंदू समरस हो रहा है संगठित हो रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि वह सब भविष्यवाणियाँ जो कहती थी कि इक्कीसवीं शताब्दी विश्व में भारत की शताब्दी है वह भविष्यवाणियाँ सच थीं आप लोग ऐसे क्या क्या कार्य करते हैं जिससे कि हिंदू इकट्ठा रहें या हिंदू जो लोग हैं उनको समझ में आए कि हमारा इकट्ठा रहना जरूरी है प्रेम से जोड़ते हिंदुत्व का स्मरण कराकर जोड़ते हम लोगों को बताते कि सबके हृदय में राम है कि नहीं है अगर सबके हृदय में राम है तो कोई जाति के आधार पर छोटा कैसे हो सकता है ऐसी अगर मनों की एकता हो गई तो भी एक दिक्कत रहती है अनुसूचित समाज शिक्षा में स्वास्थ्य में कौशल में रोजगार में पिछड़ा रहता है तो हम उसकी मदद करते हैं कि वो दौड़कर आगे आए स्कूल चलाते हैं हॉस्टल चलाते हैं सरकारी योजनाओं से उसका जुड़ाव कराते हैं तो पूरे समाज की उन्नति हो हम मिलकर चलेंगे तो उन्नति होगी और उस उन्नति के लिए सरकार पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है समाज ने भी करना चाहिए ये वो तरीका है जिसके द्वारा पूरे विश्व का हिंदू समाज मिल करके विश्व हिंदू परिषद को हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन बना पाया है क्या कोई राम को ना मानता हो पर वो हिंदू हो सकता है हाँ कैसे मैंने आपको कहा ना कि जो ईश्वर को नहीं मानते जो आत्मा को नहीं मानते ऐसे एक थे चारवाक चारवाक को भी ऋषि कहा है। और उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो उधार लेकर के घी पियो देह जल जाती है दोबारा कौन आता है इसलिए राम को मानो तो कल्याण होगा राम को नहीं मानो ईमानदारी से अपना जीवन जियो भारत के प्रति आदर रखो तो हिंदू रहोगे राम जरूरी है रोजगार जरूरी है ये ऐसा प्रश्न है जैसे सांस लेना जरूरी है या खाना खाना दोनों जरूरी ये आपके प्रश्न का उत्तर है <laughs> राम भी जरूरी है रोजगार भी जरूरी है मेरा सवाल इस चीज पर है कि फिर से मैं वापस आऊंगा उसी कट्टरवाद कि कई लोग हेट फैलाते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो अब ये लोग बड़े कट्टरवाद हो गए हैं या ये जय श्री राम के नारे के पीछे परेशान करना चाहते हैं किसी धर्म विशेष को इसको इससे आगे बढ़कर किसी एक ठोस उदाहरण पे लाना चाहिए ना अगर मैं अपने घर में कसरत करता हूं और पड़ोसी कहे कि ये कल को मुझे मारेगा ताकतवर हो गया तो ये तो सच नहीं होगा अगर अल्लाह अकबर का नारा पवित्र है अगर क्राइस्ट को हेल करना पवित्र है अगर क्रिसमस को सांता क्लोज का होना पवित्र है तो जय श्री राम पर आपत्ति कैसे हो सकती है और जय श्री राम का मतलब है कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट प्रकट करना ये किसी के खिलाफ नारा नहीं है यह हेट का नारा नहीं है इसमें प्रेम है घृणा नहीं है इसलिए अगर विश्व हिंदू परिषद पर घृणा फैलाने का आरोप लगाना है तो कोई एक उदाहरण बताना पड़ेगा कि इस जगह पर इस व्यक्ति ने या इस ग्रुप ने यह किया मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हम इस बात के लिए सावधान करते हैं कि हमारा संगठन किसी के विरोध में नहीं है हम अपने को स्वस्थ करने के लिए काम कर रहे हैं इसलिए घृणा का कोई प्रश्न नहीं है क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब विश्व हिंदू परिषद की जरूरत नहीं पड़ेगी समाज को अगर समाज स्वयं जागृत संगठित हो जाएगा आपको लगता है जल्दी हो पाएगा या टाइम लगेगा अभी सब लोग सहयोग करेंगे तो जल्दी भी हो सकता है पर हमको विश्व हिंदू परिषद को विसर्जित करने की कोई जल्दी नहीं है अभी विश्व हिंदू परिषद का एक मिशन था उन्नीस से कि राम मंदिर बनना चाहिए वो बन गया अब आपका क्या मिशन है? राम राज्य राम राज्य क्या है राम राज्य। राम राज्य है पहले तो ये व्यक्तियों के लिए है धर्माधारित जीवन जीना सच्चाई का ईमानदारी का मूल्यों का दूसरा है सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण होना इसमें केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार भी है जिस दिन मैं कह सकूंगा कि मेरा भारत ऐसी भूमि है जिसमें कोई भूखा नहीं सोता है जिसके पास में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं है जो शिक्षित है जिसके पास में करने के लिए काम है जो संस्कारित है ऐसा भारत सब लोगों का जब बनेगा तब मैं कहूंगा कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे आजादी के बाद से अधिकारों पर बहुत जोर दिया गया और अधिकारों के लिए लड़ने पर जोर दिया गया आज तो कानून ऐसे हो गए कि बाप को बेटे से बेटे को बाप से पति को पत्नी से पत्नी को पति से बुजुर्गों से बुजुर्गों को बच्चों से किसी को भी कुछ अधिकार लेना हो तो वो कुटुंब के पास नहीं जाता वो समाज के पास नहीं जाता वो पुलिस के पास जाता है वो वकील के पास जाता है समाज टूट रहा है ना यह जब मूल्यों को हम वापस लेकर आएंगे और एक समरस समाज होगा स्वस्थ परिवार होगा कुटुंब के लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे तब अधिकारों की दौड़ की बजाय कर्तव्यों पर आग्रह होगा और जब सब लोग कर्तव्य का पालन करेंगे तो सबको सबके अधिकार मिल जाएंगे क्या जो हम कहते हैं ना धर्म धर्म एक शब्द कहते हैं और कर्तव्य ये एक ही चीज है काफी मात्रा में एक ही चीज और इसलिए भारत में जो शब्द है धर्म ये अलग अलग कंटेक्स में आता है पिता का धर्म पुत्र का धर्म पत्नी का धर्म तो अपने कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना मोटे तौर पर अगर इसको कहेंगे कि ये धर्म की व्याख्या है तो मैं इससे सहमत रहूंगा हम इसके विस्तार में जा सकते हैं हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान रहता है और उस भगवान का साक्षात्कार करना अपने जीवन के गुणों को बढ़ा करके व्यक्ति ने स्वयं भगवान हो जाना ऐसी हर हिंदू की यात्रा है पर मोटे तौर पर एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अपने कर्तव्यों का जागतिक रूप से पालन करना ऐसा समाज होना मैं मानूंगा कि राम राज्य ऐसा होगा आज की जो जनरेशन है नौजवान लोग हैं इनमें कुछ कमियां पाते हो आप एक प्लेटो का उद्धरण है और उसमें ये कहा है कि हर युग में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज की जेनरेशन खराब है इनरेस्पॉन्सिबल है उश्रृंखल है ऐसा जो लोग कहते हैं वो बूढ़े होते हैं पर्सनली मैं ये मानता हूं कि ये जेनरेशन हमारी जेनरेशन से ज्यादा जिम्मेवार है मैंने जब बीए पास किए मैंने जब हायर सेकेंडरी कर लिया तो कुछ लोग बीए ऑनर्स कर रहे थे मैंने बीए ऑनर्स कर लिया मैंने लॉ कर लिया क्यों कर लिया तो देखा देखी भी कर लिया पूछते ताछते भी कर लिया आज का आज का युवक ऐसा नहीं करता उसको कैरियर की कॉन्शियसनेस है वो उस कैरियर को योग्यता से चुनता है कहाँ जाना है ये समझता है मैं आज की जनरेशन को बहुत जिम्मेवार भी मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि उनमें योग के प्रति धर्म के प्रति कर्तव्य के प्रति चेतना बढ़ रही है और इसलिए मैं भारत के भविष्य को उज्जवल मानता हूँ जैसे कोई व्यक्ति उसे बड़ी परेशानी है किसी भी चीज को लेकर तो वो आपके या आपके संगठन से कैसे मिल सकता है अपनी समस्या बता सकते ये प्रश्न थोड़ा वेग है कोई अपनी पत्नी से परेशान है ऐसी लोगों की हमने सहायता शुरू कर दी तो परे, आप परेशान हो जाओगे <laughs> <laughs> पर अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें हम उसकी सहायता कर सकते हैं, तो हम करते ही हम डिस्पेंसरी चलाते हैं अस्पताल चलाते हैं योगा केंद्र चलाते हैं बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं हॉस्टल चलाते हैं हम सहायता करते हैं बहुत तरह की पर हर व्यक्ति के व्यक्तिगत इशूज पर हम उसको सहायता करेंगे ऐसा हम ज्यादा नहीं सोचते आलोक जी आ, आपने एक लंबा अरसा देखा है ठीक है जनरेशन बदलते हुए भी देखी है आपके समय में जो नौजवान हुआ करते थे और आज के जो नौजवान है कोई फर्क है इनमें और इनके लिए मैसेज क्या देना चाहते हो लास्ट में ये भी बता दें मैं फर्क ये देखता हूं कि आज के नौजवान का मोटिवेशन लेवल कमिटमेंट समझदारी और परिश्रम करने की क्षमता ये हमारे समय से ज़्यादा है मैं स्कूल में था तो स्कूल के बाद में करने के लिए कोई एक्टिविटी अवेलेबल नहीं थी आज तो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे को भी स्विमिंग क्लास में जाना है म्यूज़िक क्लास में जाना है गेम्स में जाना है और इंटरनेट और बाकी सब चीज़ों के कारण उसकी समझदारी उसकी सेल्फ को डिस्कवर करने की क्षमता ये बढ़ी है मैं ये भी मानता हूँ कि आज के नौजवान की भारत के प्रति गौरव की भावना बढ़ी है देशभक्ति का ये बढ़ा है और इसलिए मैं आशान्वित हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल है यह ठीक है कि देश के कुछ हिस्सों में खास तौर पे ड्रग्स है नशा है या ऐसी कुछ समस्याएं हैं पर मैं भारत की आंतरिक ताकत में विश्वास करता हूँ इसकी संत शक्ति पर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि इस समस्या का रास्ता भी हम लोग निकाल सकेंगे ड्रग्स से और बाकी चीज़ों से उसको बाहर ला सकेंगे कई बार लोग शिकायत करते हैं कि युवक ये करता है युवक वो करता है मैं उनको पूछता हूँ तुम जब युवक थे तब कैसा करते थे तो इसलिए कुछ लिबर्टीज़ हैं जो जवानी लेती है वो जब तक सीमा में रहती है वो रहेगी और उसके आगे जाएंगे तो कुछ लोग आगे जाएंगे उनको रोकने की व्यवस्था रहेगी इसलिए मैं आज के नौजवान से बहुत आशान्वित हूँ बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी जब छोड़ के जाएगी तो जो हमने इनहेरिट किया था उससे अच्छा भारत छोड़ के जाएगी चंद्रमा तक जाने वाला भारत सूर्य के निकट जाकर परीक्षण करने वाला भारत सागर की गहराई में जाकर के वहाँ की शोध करने वाला भारत पाताल से आकाश तक भारत सर्वश्रेष्ठ होने की ओर बढ़ रहा है अपने मिलिट्री माइट में अपने साइंटिफिक पावर में अपनी खेती में अपने उत्पादन में अपनी सर्विसेज में और इसलिए पूरे विश्व के सामने आज भारतीय होना ये एक सम्मान की बात हो गई है भारतीय होना ये एक सामर्थ्य की बात हो गई है और इन नौजवानों के बल पर भारत दो तक एक विकसित अर्थ अर्थव्यवस्था होगी एक अच्छा देश होगा दुनिया में एक नंबर का होगा ऐसा मैं भरोसा करता हूँ बड़ा अच्छा लगा आलोक जी आपके साथ बातें करकर अब मेरा लास्ट प्रश्न आपसे यह है कि अब कुछ ही समय में आप रिटायर होंगे आपने बताया ठीक है पर क्या आप फिर भी एम्बिशियस रहेंगे और वो एम्बिशन क्या होगा आपका मैं दस साल का था जब मैं पहली बार नहीं मैं आठ साल का था जब मैं पहली बार संघ की शाखा गया था और उस समय मैंने किसी का भाषण सुना था कि हम ऐसा भारत बनाते हैं जिसमें केवल हम भारत माता की जय नहीं बोले पूरा विश्व बोले भारत माता की जय ये बात मेरी बुद्धि में और हृदय में गड़ गई है एंबिशन मैं आठ साल की उम्र से लेके चल रहा हूँ आगे भी ये है मैंने ये नहीं कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा मेरी ये जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी पर मैं जीवन भर विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहूंगा और सब दिशाओं से भारत माता की जय हो यह सुनने के लिए काम करूंगा अब भारत भारत जैसे बार बार भारत पसंद ज्यादा है या इंडिया पसंद है आपको संविधान कहता है कि दोनों नाम भारत के हाँ। पर भारत कहते हैं परंपरा ध्यान में आती है इसलिए मुझे ये नाम प्रेफर करता हूँ थैंक यू सो मच आलोक जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत धन्यवाद